साइबर सिटी की श्री कृष्ण धाम गौशाला अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। गौशाला के बाहर कूड़े के ढेर लगे हैं, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। गौशाला के बाहर बने अस्थायी डंपिंग स्टेशन को लेकर नगर निगम के अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई, पर कोई समाधान ना हो सका। मजबूरी में लोग गौवेश प्रेमी गौशाला के बाहर धरने पर बैठने को मजबूर हो गए। गौवेश प्रेमियों की माने तो भारत में गाय तो माता का दर्जा दिया जाता है। कहते हैं कि गाय में 33 करोड़ देव देवताओं का वास होता है। बावजूद इसके गौशाला के बाहर गंदगी का आलम है, जो कि कतई बर्दाश्त के योग्य नहीं है। इसी को लेकर गौवेश प्रेमी धरने पर बैठ गए हैं। जब तक गौशाला के सामने से कूड़ा नहीं उठाया जाएगा, धरना जारी रहेगा। मेरा नाम नीता है। नीतू जी, आप आज यहाँ धरने पे बैठे हैं? जी हाँ। किस चीज़ को लेके बैठे हैं? हम यहाँ पे कचड़े को लेके बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या काफ़ी कचड़ा फैल चुका है धर्म कॉलोनी में। हम चाहते हैं कचड़ा यहाँ पे ना फैले, जिससे हमारे बच्चे मतलब बीमार हो सकते हैं। हम चाहे कचड़ा कहीं ऐसी जगह फैले जिससे मतलब किसी को नुकसान ना हो। और 10 सालों से यहाँ 2010 से कूड़ा फेंका जा रहा है, तब तो पहले कम था, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे गंदगी फैल चुकी है। और हम चाहते हैं ये यहाँ पर ना फैले। हमारे बच्चे, हमारा घर और भी करीब है यहाँ से, इसलिए हम चाहते हैं कि कहीं दूर फेंके जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो। हम नगर निगम से भी सबसे पहले बहुत कुछ बोल चुके हैं, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं करता। इसलिए हम चाहते हैं आज हम इसलिए लास्ट में हार के ताकि धरने पर बैठे हुए। हम नहीं चाहते कि हम यहाँ पर नरक की ज़िंदगी जिएं। हम ये चाहते हैं, हम अपने घर को तो साफ रखते हैं, हम चाहते हैं हमारे घर के साथ साथ हमारी गली मोहल्ला और हमारा पूरा देश साफ रहे। हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है। हम सोचते हैं हमको सभी को उसका नियमों का पालन करना चाहिए और सब इसमें साथ देंगे। और हम लोग चाहते हैं यहाँ पर तो गौशाला में तो कूड़ा बिल्कुल नहीं फेंका जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमें मतलब बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और हर जगह साफ सफाई रहे। सनी जी, आज आप कूड़े को लेकर धरने में बैठे, क्या कहेंगे? ये देखिए कि बेसिकली ये धरना ना होके हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस रोड पे अभी हम खड़े हैं, जिस रोड पे हमने ये टेंट लगाया है, ये एक रास्ता है जो हमारा छावला बजगेड़ा होते हुए फिर कृष्णा चौक और ये यहाँ से घूम के शीतला माता मंदिर की तरफ जाता है। तो एक रास्ते को कूड़े पहले थोड़ा डलता था, फिर बड़ा 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 के और इस रास्ते को ही पूरा ब्लॉक कर दिया और इसको पूरे इस इलाके में कूड़ेदान के नाम से जाने जाने लग गया। सामने इधर आप एक बार अगर कैमरा घुमाएंगे तो ये हमारी गोधाम है, कामधेनु गोधाम। यहाँ पे हजारों की संख्या में गायें हैं और आजू बाजू जितना इलाका है यहाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा आबादी यहाँ पे रहती है। और इस कूड़े का आलम अब ये था कि ये गौशाला के गेट तक आ गया था। यहाँ पे गेट के पास मंदिर है और लोगों का निकलना आना जाना दूभर हो गया था। और जो आजू बाजू लोग रहते हैं, उनके बच्चे भी हैं, सब हैं, हवा इतनी प्रदूषित हो गई थी कि लोग अपने घर में भी नहीं बैठ पा रहे थे। तो इसको बार बार MCG को इसके बारे में कहा गया कि भाई आप इस कूड़े को यहाँ से हटाएं, इस रास्ते को चालू करें और इस कूड़े के लिए कोई प्रॉपर व्यवस्था करी जाए। तो इसमें ये विषय आया कि इसमें बहुत सारे कोई फैक्ट्री वाला है, कोई इल्लीगल वेंडर है या कोई स्थानीय निवासी है, तो हम सारे लोग यहाँ पे अवेयरनेस के लिए बैठे हैं कि ये जो इलाका है ये एक रोड है और रोड को कूड़ा घर नहीं बनाया जा सकता और इसकी हम अब इस पे यहाँ से सफाई करवा के ही हम यहाँ से हटेंगे।